नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपको वहाँ पर बहुत ही मददगार साबित होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक की जो रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक की है और इसके लेखक हैं कुमार भवेश चंद जी। दोस्तों, जब मैं पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था तब मैंने द्वितीय सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में मैंने इस पुस्तक को मंगवाई थी और ये पुस्तक मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसे जो है ये करीब 100 पेजों से ऊपर की है तो मैंने इसे करीब 2 दिनों में पूरी पुस्तक को ख़त्म कर लिया था। मुझे ये इतना जो है इसमें रोचक लगा और इतना जानने की इच्छा होती है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ पर आपको जो है हर एक तकनीकी पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है जो आपके न्यूज़ चैनल से जुड़े होते हैं। जैसा मीडिया संस्थान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जैसा वर्क होता है पूरा उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पत्रकारिता क्या है उसके बारे में बताया गया है और कितना ये जो है आज के समय में पत्रकारिता का कितना महत्व है वो भी इस पुस्तक में बताया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और इसके अगर अगर हम अनुक्रम की बात करें तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा भारत में टीवी पत्रकारिता का इतिहास आपको मिलेगा, और इसके अलावा टीआरपी क्या है, चैनल की व्यवस्था एवं पत्रकारिता पर आपको लेख मिलेगा, न्यूज़ रूम यानी खबरों की फैक्ट्री किसे कहते हैं उसके बारे में। इसके साथ ही आपको आपको दिखा दूँ तो असाइनमेंट डेस्क, आपका आउटपुट, न्यूज़ रूम का मास्टर, रिपोर्टर, स्टिंग ऑपरेशन, आउटपुट डेस्क, न्यूज स्क्रिप्ट, पैकेज कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्शन, एंकर और एंकरिंग और पत्रकारिता के नए तेवर। तो दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। आप इसको जो है अगर आप नए छात्र हैं या मीडिया में आना चाहते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया हुआ था, करीब 200 रुपये का मुझे मिला था और 200 रुपये में आपका जो है डिलीवरी चार्ज सहित मुझे मिला हुआ था ये पुस्तक। और आप भी इस पुस्तक को मंगवाइएगा और ज़रूर पढ़िएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप जो है अभी कार्य कर भी कर रहे हैं कहीं पे रिपोर्टर का, तो भी आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी जो चैनल में हो रहा है, कैसे काम होता है, सब कुछ जानकारी इसमें दी गई है। वीडियो प्रोडक्शन से लेकर आपका जो है न्यूज़ प्रोड्यूसर, और इसके बाद एंकर और स्टिंग कैसा, स्टिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसके साथ ही न्यूज़ पैकेज, एक समृद्ध पैकेज कैसे लिखा जाता है, यहाँ तक कि इसकी जानकारी भी आपको दी गई। इसके अलावा जो तमाम डेस्क होते हैं, क्राइम डेस्क होता है, एंटरटेनमेंट होता है, क्रिकेट और खेल जगत होता है, टिकट डेस्क होता है, तो सभी डेस्क के बारे में भी इसमें विस्तार पूर्वक से जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहिए और ताकि आपको भी जो है इस पुस्तक को पढ़ें और अच्छे से नॉलेज हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, आप इसको अमेजोन पे जाके आप सर्च करेंगे रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक, और कुमार भवेश चंद इसके लेखक हैं। मैं इनकी फ़ोटो दिखाऊं तो ये देखिए, ये कुमार भवेश चंद जी हैं और ये यही लेखक हैं इस पुस्तक के, और ये जो है काफ़ी मूल रूप से बिहार के हैं और इसके बाद जो है पत्रकारिता में इन्होंने बीजे किया हुआ है। इसके साथ ही जो है काफ़ी समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे और इसके साथ ही और अभी भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है, मुझे तो ये पुस्तक बहुत पसंद आई, और आप भी इस पुस्तक को पढ़िएगा और बताइएगा हमें कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। तो एक रिपोर्टर कैसे एक अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता है उसके बारे में भी इस पुस्तक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। देखिए मैं आपको बता दूँ तो, क्योंकि एक रिपोर्टर का रिपोर्टिंग का सफ़र जो होता है यही आपको एंकरिंग तक भी ले जाता है, क्योंकि जब आप ज़मीनी हकीकत से जुड़े होते हैं, आप ज़मीनी पहलुओं को समझते हैं, तब आपको एंकरिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। देखिए, हर पल तैयार रहता है रिपोर्टर, और इसके साथ ही जो है एक आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए रिपोर्टर का, और मल्टीटास्किंग होना चाहिए वो, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट और एक ही खबर पर उसको जो है नॉलेज हो और उसको जानकारी हो, उसको हर खबर और हर विषय की जानकारी होनी चाहिए और जानदार आवाज़ होनी चाहिए, संयत भाषा होनी चाहिए। कभी कभी आप अगर कुछ बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी भाषा एकदम संयम होनी चाहिए, और कभी कभी आप फ्लो में कुछ अपने से जुड़ी हुई चीज़ें ना बोल दें, इसका भी बहुत बेहतर ध्यान रखा जाता है। जाबाज होना चाहिए, उसके बाद निडरता के साथ तकनीकी क्षमता भी आप उसके अंदर होनी चाहिए, और
विजुअल कैसे निकाला जाए, कैमरामैन को कैसे समझाया जाए। वैसे तो कैमरामैन ज़्यादातर बहुत अनुभवी होते हैं, लेकिन कभी कभी रिपोर्टर के कहने के अनुसार भी जो है विजुअल बाइट को इकट्ठा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पुस्तक बहुत अच्छी है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और इससे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम पर भी आने वाला हूँ, जैसे ही मैं आऊँगा मैं आपको उसकी सूचना दे दूँगा और आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।